आए दिन सुर्खियों में मकान मालिक और किरायेदार का विवादित मामला देखने को मिलता है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां पर थाना रेल बाजार क्षेत्र के सुजानगंज चौकी क्षेत्र में दबंगों ने रात्रि के समय दबंग मकान मालिक मुशर्रफ और उसके दो साले आकिफ आसिफ और दो अज्ञात युवक के साथ अपने किरायेदार रानू अशरफ के घर में घुसकर बेरहमी से मारा पीटा। पीड़ित रानू और सिला इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती है। रानू अशरफ के पूरे शरीर में तरह तरह की चोट के निशान ये दर्शाते हैं कि उसे किस कदर जानवर की तरह पीटा गया है। अब देखना यह है कि थाना रेल बाजार मुशर्रफ आकिफ आसिफा दो अन्य के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल कानपुर से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानू अशरफ है। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? हम घर पर सो रहे थे, मकान मालिक चार पांच बदमाशों को लेके आया, मेरे ऊपर हमला कर दिया। दो उसके साले थे उसमें से और तीन लोगों को जानते हैं। मकान मालिक का क्या नाम है? मकान मालिक का नाम मुशर्रफ। कहाँ रहता है? सुजातगंज सारी गली। सालों का क्या नाम है? सालों का नाम है, एक का नाम आसिफ है, एक का नाम आकिफ है। थाने गए थे आप? मैं थाने गए थे। क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने में वो बैठा हुआ है मुशर्रफ, हाँ, उसके साले मिल नहीं रहे, हाँ, वो फरार है, हाँ, और ये सब वहाँ का सभासद, हाँ, करवा रहा है। सभासद का क्या नाम है? नफीस पाटिल। अच्छा। और वो माफिया जो मकान खाली करवाता है सदाब डॉगी।